आज हम लोग बनाना सीखेंगे तंदूरी रोटी और आलू पनीर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं और हर किसी को पसंद आता है। हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका, प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को दिल से शुक्रिया था मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देकर मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे आलू और पनीर की सब्जी कैसे बना सकते हैं और नान रोटी, तंदूरी रोटी जो हर किसी को पसंद आता है उसे कैसे बना सकते हैं। इसके लिए पहले पनीर को लेंगे, पनीर को फ्राई कर लेंगे। सरसों का तेल आपको गर्म करना है, उसमें पनीर को डाल देना और फ्राई कर लेना है। पनीर को उलट पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक और सारे पनीर को फ्राई करके निकाल देंगे। और पनीर को फ्राई करने के बाद फिर फ्राई करेंगे इसमें आलू। आप कम बेसी पनीर कर सकते हैं, अगर ज्यादा लोग के लिए बना रहे हैं तो आप 1 केजी पनीर ले सकते हैं, अगर कम लोग के लिए बना रहे हैं तो आप आधा केजी भी पनीर से बना सकते हैं, या 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 100-150 ग्राम की भी पनीर से बना सकते हैं। तो पहले सारे पनीर को फ्राई कर लेते हैं और आलू को थोड़ा सा आपको मोटा मोटा ही काटना है क्योंकि इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे यानी तेल में तलेंगे। तो तलते समय ना इसका जो ऊपर का परत होता है ना वो गोल्डन हो जाता है, तो ये जो है 80% पक जाता है तेल में ही, बस हमें 20% पकाना रहता है, इतना इसे आपको पकाना है। और आपको उबला हुआ आलू यहाँ पे नहीं लेना है, अगर चाहते हैं उबला हुआ आलू लेने के लिए तो उबला हुआ भी आलू ले सकते हैं। हमारा जो है आलू भी बहुत अच्छे से भुन गया, आलू और पनीर दोनों। अब इसको साइड में रखते हैं, फिर लेंगे कुकर। कुकर में डालेंगे सरसों का तेल, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और आपको 5 फोरन डालना है। उसके बाद डालना है 1 जावित्री और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 आपको लौंग डालना है और थोड़ा सा इलायची डालना है। और इसी में हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और प्याज को इस तरह से लंबे लंबे आप कट कर सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और इस तरह से भूनते हैं जब हम मसाले के साथ प्याज को ना, तो मसाला का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है प्याज में। और जब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं तो आपको गर्म मसाला डालने की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी जो खड़े मसाले होते हैं वो गर्म मसाला का ही काम करते हैं। तो आप थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड और कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है ना कि खड़ा मसाला हमें डालना है तो हम उसे अलग से पीस के डालें, तो ऐसा नहीं है, आप उसे भून के भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टमाटर डाल देते हैं। तो 2 टमाटर लिए थे, 2 टमाटर को भी इस तरह से लंबे लंबे काट लिए हैं। टमाटर और प्याज को बहुत अच्छे से भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर से पानी रिलीज होता है और टमाटर और प्याज जो है बहुत अच्छे से भून जाता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसमें आपको नमक डालना है और इस तरह से आपको इसे भूनते रहने देना है। तब तक से हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं तंदूरी बनाने के लिए या नान रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैदा लिया है हम 250 ग्राम और आटा भी लिया है 250 ग्राम। आप मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बना सकते हैं या सिर्फ मैदा से बना सकते हैं। हम मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बना रहे हैं क्योंकि इस तरह से ज्यादा हेल्दी हो जाएगा ना। ज्यादातर लोग मैदे के खाना नहीं पसंद करते हैं, मैदा और आटा दोनों खाना पसंद करते हैं, इसलिए दोनों हम मिक्स करके बना रहे हैं। ये आटा दोनों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आपको डालना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर आपके पास नहीं है तो बेकिंग पाउडर 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा चीनी डालेंगे 4 से 5 दाना और इसके बाद इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे और इसका आटा लगा के तैयार कर लेंगे। आप अगर चाहते हैं ईस्ट से तंदूर कैसे बना सकते हैं या नान रोटी, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हम सिर्फ आपको सिंपल तरीके से बनाना बता रहे हैं ताकि जिनके पास ईस्ट नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, तो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे ना ही आपको दूध लेना है ना ही दही लेना है, सिर्फ पानी से आटा गूंथ के तैयार कर लेना है और हमारा जो है नान रोटी बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से आटा लगा के हम रेडी कर लिए हैं। तो आटा को ढक के रख देंगे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे और तब तक से हम अपना मसाला देख लेते हैं जो हम आलू और सॉरी जो हम प्याज और टमाटर को भून रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज और टमाटर भी बहुत अच्छे से भून गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल के पीस लेंगे ठंडा होने के बाद। गरम गरम में मत पीसिएगा, आप बोलिएगा कि आप बोली थी निकाल के पीसना है, क्योंकि गरम गरम में पीसिएगा तो आपके ऊपर छींटा भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो हम पीस के रखे थे वो सारा यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद सबको अच्छे से भून लेंगे। और जो है ना हमारा पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी तरह बनता है, जैसे होता है कितने लोग के पनीर खाना नहीं पसंद करते, मिक्स आलू खाते हैं, इसलिए आलू और पनीर का मिक्स सब्जी हम आपको दिखाएं। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और प्याज और टमाटर जो पीस के रखे वो भी यहीं पर डाल दीजिए। आप चाहें तो फ्रेश हरे मटर भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के रेडी होता है। फ्रोजन मटर भी इस समय मार्केट में इजीली मिल जाता है। आपको नमक डालना है सब मसाले डालने के बाद, नमक डालने के बाद भी सबको अच्छे से भून लेना है और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह से आपको मसाला देखने को मिलेगा। फिर डालेंगे मटर, फ्रेश मटर है हरा वाला,
उसके बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मटर हार्ड है थोड़ा सा तो उसको पका लीजिए। और इस तरह से ये देखिए हमारा जो मसाला है बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा मसाला बना हुआ है, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है मेरे पूरे किचन में जो है फैल गया है। इसी तरह से हमें मसाला को भुनना है ताकि मसाले से तेल अलग हो जाए और हमारा जो मसाला है ना वो बहुत ही अच्छे से भुन जाए। जितने अच्छे से मसाला को भुनेंगे उतना ही टेस्टी हमारा जो है सब्जी बनके रेडी होगा। इसके बाद आलू और पनीर को जो हम फ्राई करके रखे थे वो सारा यहीं पे डाल देंगे और मसाले के साथ इसको भून लेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो है सारा मसाला का फ्लेवर जो है आलू और पनीर में चला जाए। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं ग्रेवी वाला सब्जी बनाने के लिए तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं या विदाउट ग्रेवी भी बना सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच भर के हम डाले हैं गरम मसाला, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये इसका जो खुशबू है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए हमारा कितना लाजवाब सब्जी बना हुआ है। तो आप इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ा नहीं रखना है, नहीं थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला रखना है, इसलिए इसमें हम पानी ऐड कर दिए हैं। और इसका ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। इससे जो है ना दो फायदे होते हैं, आलू जो है हमारा थोड़ा सा 20% नहीं पका हुआ है, इसमें जाने के बाद बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और हमारा पनीर भी बिल्कुल फुला फुला लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल रख के रेडी हो गया है। तो 1 से 2 बार आटे को ऐसे हाथ से मसल लेंगे ताकि आटा जो है हमारा और भी सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से आपको कैसे तंदूर बनाना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से बनता है, आप बोलिएगा इतना आसान तरीके से हम नान रोटी बना सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। छोटा सा एक लोई लेंगे और इसको इस तरह से पहले हम बेल लेंगे और इसमें थोड़ा सा आप देसी घी या तेल डाल सकते हैं। यहाँ पे हम देसी घी, मेल्टेड देसी घी ले रहे हैं। उसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपको चपटा कर देना है और थोड़ा सा मैदा लगा के इसको चकले पे बेल लेना है। इससे ये होगा कि जो हमारा रोटी है ना नान रोटी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। और ज्यादा देर तक भी रखिएगा तो ये कड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा होता है कि काढ़ा हो जाता है, तो ज्यादा देर तक रखने के बाद भी ये काढ़ा नहीं होगा। इसके बाद इसमें हम कलौंजी और थोड़ा सा धनिया का पत्ता लगा देंगे और दोनों साइड से इसको सेक लेंगे। आप चाहते हैं सिर्फ इसको आंच पे पकाना तंदूर को, कि आप नान रोटी को आंच पे कैसे पका सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल से वीडियो अपलोड कर देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। इस पे आप देसी घी लगाइए और इसको दूसरी साइड से फिर पलट दीजिए और ये देखिए ये अपने आप ही फूल रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं इसे फुलाने का। और फिर इसको दूसरे साइड भी हम घी लगा देंगे और दोनों साइड से अच्छे से इसको सेक लेंगे। इस पे घी या बटर ही लगाइएगा, क्योंकि अक्सर नान रोटी पे घी या बटर ही अच्छा लगता है। दोनों साइड से इसको उलट पलट के सेक लेंगे और हमारा जो है नान बन के रेडी हो गया। तो आप बिना तेल वाला भी नान कैसे बना सकते हैं, घी वाला जो अंदर हमने घी डाला हुआ है, तो उसके बारे में भी बहुत जल्द आप लोग के साथ नान रोटी का वीडियो अपलोड करेंगे। और ये देखिए कितना टेस्टी हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह एक साइड रखते हैं, सब्जी भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह से आप जरूर बनाइएगा, आलू और पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके साथ नान रोटी बना सकते हैं या इसके साथ जीरा राइस, बहुत सारा ड्राई फ्रूट को मिक्स आप चावल बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सारा नान बनके रेडी हो गया है और यहाँ पे हमने अपने थाली भी सर्व कर लिया। और ये देखिए कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है, ना बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और यम्मी। इस तरह से एक बार ट्राई जरूर करिएगा, 100% बहुत अच्छा बना। चलिए एक दो और आपको नान बना के दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितने फुले फुले और टेस्टी नान बन रहा है। तो इसी तरह से आप नान बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और आज का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए कितना गुब्बारे जैसा फुला फुला हमारा नान बन रहा है। तो इसी तरह से नान बना सकते हैं पनीर के साथ, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और नई रेसिपी।